इस तरह से जो युवा साथी आज आप देख रहे हो समाज के लिए तत्पर है, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसलिए जो यहाँ पर उपस्थित सब लोग हैं, सबको इनसे ये प्रेरणा मिलेगी कि समाज में जो हमारे यूथ है, आज युवा साथीगण हैं, सब लोग भी इस तरह का कार्य करें, समाज के लिए कार्य करें, ताकि वो आगे निकल सके। साथियों, आप जानते हैं कि जैसा कि यहाँ उपस्थित होने का मतलब ये है कि आप लोग शिक्षा के बारे में जानिए। आज राजभर समाज में आज शिक्षा की इतनी कमी है, अभाव है, जिसकी वजह से लोग किसी बैठक में या मीटिंग में उपस्थित नहीं होते। तो सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी के दूध के समान है। शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो उसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि जितने यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, मेरे साथीगण, युवा साथीगण और भाई बहनों माताएं उपस्थित हैं, आप लोग हमेशा एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा तालीम जरूर देना साथियों, ताकि हमारे ही बच्चे कल जाकर IAS IPS DM कलेक्टर बन सके। तब बनेंगे जब आप लोग अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम उनको देंगे। लेकिन यहाँ पर जो साथीगण उपस्थित हैं, सबसे बड़ी कमी मैं ये बताऊंगा कि लोग यहाँ पर बैठे तो रहते हैं, लेकिन जो वक्ता होते हैं उनको हौसला देने के लिए आप लोग के तालियों की जरूरत होती है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता। ताली बजाने में कोई पैसा नहीं लगता।